नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कल हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद ज्ञापन देने के तुरंत बाद ही हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल का भी बयान आया। कांग्रेस ने कृषि बिलों के संशोधन की मांग को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अपने पद के चलते संवैधानिक तौर पर बंधे हुए हैं। राज्यपाल महोदय ने हमारी मांग को लेकर के एक मानवीयकरण दृष्टिकोण दिखाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए ये लड़ाई एक और दो दिन की नहीं है, कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान नेता समर्थन में खड़े हैं, किसानों के हित के लिए ये संघर्ष कांग्रेस हमेशा जारी रखेगी। वहीं हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस 2 अक्टूबर को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से करेगी। वहीं किसानों के कंधे पर बंदूक रखने वाले सवाल में कुमारी शैलजा ने जवाब दिया कि सरकार ने ये मौका कांग्रेस को एक बार फिर क्यों दिया है। सरकार ने किसान विरोधी फैसला लिया है, इसलिए कांग्रेस को किसानों के समर्थन पर सड़कों पर आना पड़ा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक बयान आया है कि संघ गठबंधन सरकार हरियाणा में किसान विरोधी है। उन्होंने ये भी कहा कि जेजेपी के नेताओं को ये तय करना होगा कि उनको कुर्सी प्यारी है या फिर किसान। किसानों को इन कानूनों के बाद MSP की चिंता रहेगी। पलपल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। जनता पार्टी सरकार ने अभी हाल ही में संसद में अलोकतांत्रिक ढंग से 3 काले कानून पास किए हैं। हमारे अन्नदाता को कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की MSP की एक गारंटी दी थी, लेकिन आज इन कानूनों से हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा आढ़ती, इन सबको खतरे में डाल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी गारंटी दी जाए और जो आढ़ती का सिस्टम चला आ रहा है उसको गारंटी दी जाए। हम हमारे किसान, मजदूर, आढ़ती के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन करती है, इनके संघर्ष में हमारा संघर्ष शामिल है। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ये 3 काले कानून तुरंत वापस लिए जाएं, वरना ये देश, हमारा किसान, मजदूर इनको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज जो सरकार के द्वारा जो खरीद शुरू करने को कहा गया था, आज भी शुरू हो जाएगी 4 जिलों में, आज कुछ क्षेत्र में भी। आज कोई सरकार का आदमी ना कोई खरीद करने के लिए आया है, ना कोई खरीद चालू हुई है, और झूठे लारे लगा रही है सरकार की आज खरीद चालू करेंगे। अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा मंडी में नहीं आया अभी जो खरीद चालू हो। तो आप जिम्मेदार भी हैं अपनी? मैं जिम्मेदार भी हूँ और आढ़ती भी। क्या कारण है, क्यों खरीद नहीं हो? खरीद सरकार के जो कार है, सरकार पेट पे लेना चाहती, गिल्ले सूखे माल आते हैं हमारी मंडी में। या तो सरकार जो कहती है खरीद करे माल, फिर तो है ही। MSP रेट पे दिया जाएगा? MSP रेट तो गवर्नमेंट का है, जिम्मेदार तो उस पर देने के लिए तैयार है, आढ़ती भी देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ले माल तो आढ़ती को ये नहीं कहते भी माल नहीं देंगे, आढ़ती तो तैयार है देने के लिए। अब क्या कह रहे हैं, पोर्टल नहीं चल रहा है क्या? अब कभी कहते हैं पोर्टल नहीं चलता, कभी कहते हैं माल गिल्ला है, कभी कुछ कहते हैं। अभी अगर बरसात आ जाती है तो? बरसात आ गई तो इतना भारी नुकसान है जिम्मेदार का कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है। जिम्मेदार मजबूर हो जाएगा ऐसा कि जीरी ना उठा सकता है, ना गवर्नमेंट लेने की नहीं। क्या सुविधा दी गई है? कोई सुविधा दी सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐन पड़ी है। मंडी के अंदर ढेरों के ढेर लग रहे हैं, कम से 4 लाख कट्टा होगा, 4-5 लाख कट्टा मंडी के अंदर खुला ऐन बादलों के तले पड़ा है। अगर बरसात भी आ गई ना, अरबों खरबों रुपए का नुकसान है। क्या नाम आपका? मुल्क राज। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी परेशानी है भाई साहब, एक परेशानी हो फिर तो बताएं भी। इतनी परेशानियां हैं किसानों को, 8 दिन से लगातार हर रोज ये कहा जा रहा है, आज कल तो खरीदारी होगी, लेकिन कोई भी खरीदार नहीं है, ना कोई खरीद करने वाला है, ना सरकार कहती है किसी को। सेलर वाले आते हैं सुबह शाम को, कह देते हैं हम तो सुबह खरीद करेंगे, सुबह आते हैं शाम को कह देंगे जवाब दे दिया, हम नहीं लेते ये नहीं, क्योंकि सरकार हमारे ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगा रही है कि कुछ कह ही नहीं सकते कि हमारे को पहले जमीन प्लज करो या सेलर प्लज करो, तब जाके हम जीरी देंगे, क्योंकि वो सिक्योरिटी मांगते हैं कि भाई हमारा पैसा न मर जाए कहीं सरकार का, तो इसलिए सरकार ये जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। क्या नाम आपका? रामदिया कन्यान।
भारतीय किसान यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा।